अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं गुली बुली ग्रैनी गेम प्ले वीडियो। तो अभी हम आ गए और जो है ना बाथरूम की चाबी ढूंढ ली है, तो उसको भी रहने देंगे। अभी हम चलेंगे ऊपर, ऊपर चलकर जो है ना हमारे हाथ में डोर की है, तो ऊपर वाला जो डोर वाला दरवाजा है वो खोलेंगे ताकि एक बार बेचिंती हो और बार बार हमें चाबी फेंक कर दोबारा ना जाना पड़े। ये वाला सामने वाला दरवाजा है जो खोलना है, जिसको डोर की लगेगी, इसको डोर की लगा ली। और अभी हम चलते हैं यहाँ पर जो दरवाजे हैं ये खा लेते हैं, पहली खाली दूसरी भी खाली, भाई सब दोनों खाली। आगे चलते हैं, ये वाला दरवाजा जो है ना खोल लेते हैं, बटन दबा दिए, सामने दरवाजा है वो खुल गया, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो अभी हम यहाँ पर आ गए टेरेस पे, यहाँ पर टेरेस पे भाई साहब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो खाली है भाई साहब, पीछे तो हैंडल पड़ा था बाइक का बस। तो अब हम दोबारा आ गए और ये वाला दरवाजा हमने खोला है, जो बता रहा था बटन मैंने दबाया। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये इसकी दराज में क्या है, पहली खाली दूसरी देख लिया, दूसरे इसमें चाबी है, एग्जिट डोर की, इसको भी रहने देते हैं। तो अभी हम नीचे आ गए, नीचे आकर भाई साहब जहाँ से भाई साहब जाना पड़ेगा जो है ना बाथरूम की, बाथरूम की चाबी ले लेते हैं, वो बाथरूम की चाबी ये पड़ी है, बाथरूम की चाबी भाई साहब उठा लेते हैं। उठा लिया और जल्दी से आ गए हैं बाथरूम के पास, यहाँ पर इसका जो दरवाजा है ये खोलिए। अभी हम आ गए हैं बाथरूम में, बाथरूम में भाई साहब घरेने खुफिया कमरा बना हुआ है ये, इसके नीचे भाई साहब ये नहाने वाले के नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं भाई साहब घरेने, क्या क्या खुफिया कमरे बने हुए हैं, इसके अंदर भी एक खुफिया कमरा है, ये वाला खुफिया कमरा है, इसमें एक शावल पड़ा है, शावल को बेलचे को उठा लेते हैं, बेलचे की खुदाई करनी पड़ी किसी बाथरूम में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जगह जहाँ पर इसकी खुदाई करनी है। और नीचे हैमर निकला है, बस हैमर को ले लेते हैं, हैमर को लेकर ऊपर चलते हैं और जो है ना जो गैराज में जो जाते हैं ना क्या कहते हैं सुरिंग, उसके आगे जो पलांग लकड़ियाँ लगी हैं वो काटनी पड़ेंगी इस हैमर के जरिए भाई साहब, ध्यान से भाई साहब ग्रेनी ना जाकर ग्रेनी नहीं, तो ग्रेनी ने भाई साहब सारा तमाम कर देना है भाई साहब, ये वाली जो लकड़ियाँ ये तोड़नी है, इसको तोड़ दे, ये गई पहली गई दूसरी भी गई। लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें। तो अभी हम लोग हैमर लेकर आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेनी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये क्या चीज़ पड़ी है, ये प्लास पड़ा है और ये पासवर्ड हम लोगों ने नोट कर लिया है। अभी आगे चलते हैं ये वाली हैं, ये दोनों हमने तोड़ दिए और गैराज में इंटर हो गए। और भाई साहब यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ मिलती है भाई साहब, गैराज में कौन सी चीज़ देखें, चाबी वगैरह शायद कोई पड़ी हो भाई साहब, यहाँ पर भी कोई चाबी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो दोबारा पीछे चलते हैं यार, दोबारा इसी सुरंग के जरिए बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना गैराज का जो दरवाजा वो बंद है, उसकी चाबी हमें अभी तक नहीं मिली। तो अभी हम गैस पे आ गए और यहाँ से निकलते हैं बाहर सुरंग के जरिए, तब तक मैं यहाँ से बैठ जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा, अच्छी बात है। तो अभी हम इस वाले कमरे में आ गए, इसका जो है ना ये जो दरवाजे अनलॉक करने ये एक पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे आ गया 2 और लगा लेते हैं 7 और इसके आ गया 3, 3, 2 भाई साहब ये वाला खुल गया। और जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं इनको भी इसी हैमर के जरिए तोड़ना है भाई साहब, तोड़ लेते हैं जल्दी से भाई साहब, हैमर तोड़ो भाई साहब, ये हमने तोड़ लिए हैं। ग्रेन से बच बचा के हम किचन में आ गया और सारी तलाशी ले लेते हैं भाई साहब, ये भी खाली, पीछे भी खाली, वो मिले इंजन पार्ट उसके भी जरूरत नहीं है, फ्रिज भी भाई साहब पहला खामा खाला खाली, दूसरा भी भाई साहब खाली है भाई साहब, ओवन में क्या चीज़ है, ओवन में पेट्रोल लॉक इसको रहने दो, ये वाली चेक कर रहे हैं इसमें क्या है, ये वाली भी भाई साहब खाली है। स्कूटर टायर पड़ा है, मैं तो कहता हूँ स्कूटर टायर ले लेते हैं और इस बार जो बाइक है ये एस्केप कर लेते हैं। तो अभी भाग कर चलते हैं गैलरी के जरिए, ये जो खुफिया स्ट्रिंग बनी है तो उसके जरिए चलते हैं गैराज में चलते हैं। जब तक मैं गैराज में भाई साहब पहुँच गए भी हूँ भाई साहब, मैं गैराज में पहुँच गया और यहाँ पर ये टायर है ये लगा देते हैं। अभी दूसरा जो टायर है वो सामने पड़ा है, इसको भी उठा लेते हैं और इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं, ये टायर ये भी लगा दिया था। अभी हैंडल और सीट रहती है और इंजन वो रहता है पेट्रोल रहता है, तो वो फटाफट से ले आते हैं और इसके बाद हम इंशाल्लाह बाइक एस्केप कर लेंगे। तो भाई साहब कार के नीचे कोई चीज़ नहीं पड़ी, गिड्डी में पड़ी है। तो ये वजह जो पलांग है लकड़ी ये उठाकर चलते हैं बैर की तरफ, और जो बैर ऊपर एक पुल बना हुआ है तो पुल के ऊपर जो रास्ता बनाना है ये 4 जो पलांग है वहीं पर ऊपर लगानी है। तो अभी हम सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं और ऊपर चल कर भाई साहब ध्यान से जाना पड़ेगा कि ग्रहण ना आ जाए, अगर ग्रहण आ गए तो भाई साहब ग्रहण बगोड़ बाय बाय टाटा काट देना भाई साहब, ध्यान से आ गए। तो अभी हम इसको यहाँ पर लगा दिए। तो अभी हम बुली भाई का भी जायजा ले रहे थे, बुली भाई कैसा पड़ा है भाई साहब, बुली भाई अभी बेहोश पड़ा यार, बुली भाई बेहोश पड़ा। और अभी हम दोबारा नीचे चलते हैं, नीचे चल करना तो देखते हैं भाई साहब शायद इस वाली जो दराज है इसमें कोई चीज़, पहली खाली दूसरी दराज दूसरी भी भाई साहब खाली है, क्या मसला है यार, ग्रहण ने कहाँ चीज़ें छुपा कर रखे, हमें मिल भी नहीं रही यार। तो अभी ये वाले जो है ना यहाँ पर देख लेते हैं इस कमरे में, शायद में कोई चीज़ मिल जाए, अलमारी भाई साहब अलमारी तो खाली है, अलमारी भाई साहब खाली है। तो दोबारा चलते हैं नीचे यार गैराज के जरिए, ओ भाई साहब वो ग्रहण कौन सा ग्रहण ने मार दिया यार, ये कहाँ खड़ी थी